हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो आप लोगों के सामने सिखाने के लिए लेकर आया हूँ वो है, जैसे कि अभी तक भी बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आर्म होल कैसे हम कटिंग करें और शोल्डर कितना ले, कौन सा टाइम, जैसे कि हम क्लोज वाला यानी कि हाफ ऑफ शोल्डर माइनस टू, वो शोल्डर का वो फार्मूला यूज़ करें। तो इसी तरह मैंने रिक्वेस्ट पहले भी पाया, मगर मैंने बहुत सारा वीडियो इस तरफ का मैंने अपलोड भी कर दिया। और फ्रेंड, जैसे कि आज भी ये कर रहा हूँ, जैसे किसी को शायद गलती हो रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने बार बार हमें रिक्वेस्ट कर रहा है जी सर ये कैसे करना है, शोल्डर को कैसे करना है, आर्म होल को कैसे कटिंग करना है। तो इसके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा और आसान तरीका से मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ साथ आप लोगों को दिखा कर भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है जी। कैसे कि आर्म होल कैसे कटिंग करते हैं, शोल्डर कैसे करते हैं, किस टाइप हम डीप नेक अगर हो तो कैसे हम उसको शोल्डर का मेजरमेंट कैसे ले, तो इसके बारे में ये वीडियो होगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों को कहूंगा आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा, और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं सीख रहे हैं उन लोगों को फिर से मैं दिल से थैंक्स कर रहा हूँ हमारा वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए घर में बैठकर, ठीक है। तो चलिए मैं आज दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद पता है जैसे कि शोल्डर का फार्मूला नेचुरली क्या होता है। तो शोल्डर का फार्मूला होता है हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, ठीक है। हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच यानी कि प्लस हाफ इंच, ठीक है। तो ये शोल्डर का नेचुरल फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला है किस जगह में हम इसे यूज करें, आसानी से हम यूज करें, तो यही बात जैसे कि शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड। तो ये फार्मूला हम किस जगह में यूज करें फ्रेंड, हम इसे हाई नेक में यूज करेंगे इस फार्मूला को, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये हाई नेक है, ये कॉलर है हाई नेक का, ठीक है, और ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। ये दोनों एक ही जैसा, जब हम हाई नेक करेंगे तब हम ये हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच करके, यानी कि सीम्स का जो मार्जिन होता है वो हाफ इंच होता है, वो सीम्स में चला जाता है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और फ्रेंड, और एक बात, जैसे कि जब हम हाई नेक करेंगे तब हमारा, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ ड्रॉ करके रखा है। तो ये देखिए, जब हम क्लोज वाला फार्मूला यूज करें, ये देखिए, तो क्या होता है, तो हमारा तो शोल्डर इस जगह में फिक्स्ड होता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ शोल्डर माइनस टू थ्री या करते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम करते हैं फ्रेंड, जैसे कि किसी किसी जैसे कि जो ब्लाउज पहनते हैं और कमीज भी पहनते हैं, तो उन लोगों को फिटिंग्स नहीं आता और डीप भी पहनना चाहते हैं उन लोगों ने, तो उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यानी कि हाफ ऑफ शोल्डर माइनस टू करते हैं, कभी कभी माइनस वन करते हैं। तो ये अब हो जाएगा, जैसे कि माइनस वन से भी होता है तो माइनस वन क्यों करें, जिसका फिटिंग्स होता है मगर कभी कभी नहीं होता है, उन लोगों के लिए माइनस वन ठीक है। और जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को दिया था, जैसे कि ब्लाउज के लिए, जैसे कि 32 साइज में अगर बास्ट हमारा 36 हो तो उसका शोल्डर कितना ले ब्लाउज के लिए, डीप नेक के लिए। तो आप अपने दिमाग में ये बात रखें, जैसे कि डीप नेक के लिए हम क्लोज वाला यूज कर सकते हैं, मगर ये बाहर वाला यानी कि हाफ अप शोल्डर, सिर्फ हाफ अप शोल्डर हम यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हाफ अप शोल्डर जैसे कि हम डीप करते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जैसे कि इसी तरह जब मूवमेंट करता है तब हमें पता चल जाता है और ये शोल्डर की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। मगर हाई नेक जब हम करें तो ये शोल्डर तो इधर चला जाता है, तब हमारा जो आर्म होल होता है, तो हम आर्म होल का फॉर्मूला भी मैंने दिया है आप लोगों को, 1/4 ऑफ बस्ट माइनस 3 करते हैं कभी कभी,
माइनस थ्री एंड हाफ करते हैं, कभी कभी टू एंड हाफ करता है डीप के लिए। मगर जब हम फ्रेंड हाई नेक करें, यानी कि शोल्डर तो हमारा इधर बढ़ जाता है, ये देखिए इधर बढ़ जाता है हाई नेक के लिए, तो उसके लिए क्या है हम लोगों को फ्रेंड आर्म होल वन फोर्थ ऑफ बास्ट माइनस थ्री और साढ़े तीन, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब समझ, आप ये बात को अपने मन में रख के, जैसे कि वन फोर्थ ऑफ बास्ट ऑफ माइनस थ्री ये फार्मूला हाई नेक के लिए नहीं चलेगा आर्म होल का, तब क्या करेगा, तब हम वन इंच और डेढ़ इंच सब माइनस कर सकते। तो ये हमें कैसे पता चले जे हम वन इंच माइनस करें और वन एंड हाफ इंच माइनस करें हाई नेक के लिए, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि उन लोगों का आर्म होल का एक मेजरमेंट चाहिए, और नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जब रेडीमेड का काम करते हैं तब ये हमारा किसी भी तरह हमें ये साढ़े आठ रखना है 32 साइज का, यानी कि बस 36 हो तो या हाई नेक के लिए। और हम क्या करें, हमारा जब डीप नेक हो और माइनस वाला शोल्डर हम यूज़ करें, तब हम फार्मूला क्या ले, वन फोर्थ ऑफ बस्ट माइनस थ्री कर सकते हैं आप, क्योंकि फ्रेंड ये जो शोल्डर है और इस जगह का फ्रेंड गैपिंग बहुत होता है, और ये चले जाने से ये कोई बात ही नहीं होता है, ये फिटिंग्स हो जाता है। तो ये है, जैसे कि हम शोल्डर को जब इधर बड़ा है और ये जो इस तरफ हम नीचे से हम ये करें, अगर हम शोल्डर को इधर रखें तो हम इसे ऊपर कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो नीचे वाला जो शेप होता है चेस्ट लेंथ का जो हम लाइन करते हैं वो हम ऊपर ले सकते हैं, और यह से ये ऐसा होता है यानी कि बड़ा होता है, और ये जब इधर चला जाता है तो ये इस जैसे कि हमारा स्लीप देने का जैसे कि छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसे बड़ा करते हैं, यानी कि हम माइनस कम करते हैं, वन फोर्थ ऑफ बस्ट माइनस वन और टू इसी तरह हम करते हैं। ठीक है, और एक बात, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया था जैसे कि आर्म होल कितना लेना है, यानी कि चेस्ट कितना लेना है। चेस्ट का फ्रेंड दो फार्मूला होता है, यानी कि हम क्या कहते हैं, कभी कभी आपका खुद का आपका यानी कि आपका जो आर्म होल होता है, यानी कि आप समझ आपका आर्म होल 15 इंच है। ठीक है, तो इसको हम हाफ कर देते हैं, यानी कि साढ़े सात करते हैं, साढ़े सात। तो हमें इधर अगर साढ़े सात करें तो आपको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि वन फोर्थ ऑफ बास माइनस थ्री इंच, ये अगर फार्मूला आपके दिमाग में ना घुसे तो आप इस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको साढ़े सात यानी कि हाफ करना है, तो इधर आपको देखना है ये मार्जिन कितना है, फूल मिलाकर ऐसे घुमाकर आपको साढ़े सात करना है इस जगह को। तो ये अगर आपको जब बास्ट करें आप, अगर आपको इस तरफ आपको वन इंच अगर बढ़ जाए तो आप ये लंबाई आपको क्या करना है फ्रेंड, लंबाई आपको अगर वन इंच बढ़े चेस्ट के लिए तो सिक्स एंड हाफ करना है आपको ये लंबाई, और इधर करें हम वन इंच, तो कितना हुआ, साढ़े सात हुआ। और अगर हम ऐसे घुमा दें तो फ्रंट में आपको साढ़े सात आ जाएगा, यानी कि हाफ अप जो हाफ अप आर्म होल, यानी कि हाफ अप जैसे कि हाफ अप का मेजरमेंट होता है जो चेस्ट लेंथ हम करते हैं, तो उसी हिसाब से ये हो जाता है। एक ही बात है, जैसे कि हम क्या करते हैं कभी कभी वन फोर्थ ऑफ बस्ट माइनस थ्री इंच लेते हैं, तो उसके लिए भी ठीक है। तो हमें अगर पता 15 इंच करना है तो हमारा बस्ट अगर 36 हो तो 36 का 9 होता है, वन फोर्थ ऑफ बस्ट माइनस हम 3 करते हैं तो 6 इंच आ जाता है। ठीक है, तो 6 इंच फ्रेंड इस जगह के, और आप जैसे कर रहे हैं तो उस जगह के लिए 6 एंड हाफ आ रहा है, तो एक ही बात है, कोई बात नहीं। जैसे कि हम इधर को माप हम नहीं ढूंढते हैं उस जगह के लिए, सिर्फ हम यहाँ से यह मेजरमेंट लेते हैं, और यह जो वन इंच जाते हैं और एक घुमा कर ऐसा ही होता है। और आपको और एक काम करना है, जैसे कि हम लोग जब आर्म होल करें तो फ्रेंड आर्म होल का जैसे कि ये बैक नेक और ये हम फ्रंट नेक ऐसे करें, तो अगर हमें 15 इंच करना है इस जगह को तो उसको हाफ करिए मन में, आपको साढ़े सात होता है, तो बैक में आप 7 कीजिएगा और फ्रंट में आप 8 कीजिएगा, तो क्या होगा, बैक में रिंकल नहीं आएगा, फ्रंट में अगर शेप आने से ये फ्रंट में भी रिंकल नहीं आएगा और फिटिंग्स भी अच्छा आएगा। ठीक है, और इधर में फ्रेंड जैसे कि हम जब हाई नेक करते हैं तो इस जगह में हम शेप देते हैं,
ठीक है। तो कभी ये सिर्फ हाई नेक नहीं है, जैसे कि हम एयर गला के लिए हम जब काम करते हैं तो उस वक्त भी ये शोल्डर नहीं ही हिलता है, यानी कि हमारा जो बैक होता है बैक में ऐसा होने से क्या होता है, अपना शोल्डर जितना है यानी कि शोल्डर अगर हमारा 16 इंच है तो 16 इंच से भी ये बैठ जाता है। तो तब क्या होता है, आप अगर ये शेप ना देंगे तो क्या होगा, आपका शोल्डर में ये इस जगह के लिए ये खुला रहेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा इस जगह को, तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको इधर ऐसे करना होता है। और एक बात है, जैसे कि इस जैसे कि हम शोल्डर में शेप देते हैं, जैसे कि एयरगोला आपका किसी भी शर्ट करे, कुर्ती करे, कमीज करे, बहुत सारे ड्रेस में जैसे कि एयरगोला हम करें तो इस जगह में हम शेप देते हैं। तो शेप का मेजरमेंट कैसे पता चला, आप किसी भी फिगर में जाकर आप उसका नेक से ऐसे आप एक ड्रॉ करेंगे मन में अपना, तो उसी से आपको पता चल जाएगा इस जगह का गैपिंग कितना करना है। तो 32 साइज में हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंच करते हैं, 34 में 0.75 करते हैं, तो इसी तरह इसको हम वेरिएशन देते हैं, यानी कि जैसे साइज होता है उसी तरह ये शोल्डर डाउन होता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने और एक आप लोगों को इस जगह को ड्रॉ करके रखा है। ये देखिए, जैसे कि हम इस टाइप का भी हम कुर्ती मार्केट में देखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि हमारा शोल्डर अगर 16 इंच हो तो हमें देखा जो बाजार से हम जो खरीदते हैं जो ड्रेस, तो उसका शोल्डर 14 इंच होता है, मगर बैक में ऐसा होता है। तो फ्रेंड वो फिटिंग्स बहुत अच्छा होगा, जैसे कि ये बैक में शेप होने से, थोड़ा सा शेप होने से क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, यानी कि इसी तरह मूवमेंट होने से थोड़ा सा बढ़ जाता है ब्लाउज की तरह, जैसे मैंने क्लोज वाला फार्मूला यूज़ किया है, तो उसी तरह बढ़ जाने से क्या होता है, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक, तो फ्रंट में भी है ऐसा और बैक में भी इसी तरह है। और ये हमारा शोल्डर तो हमें 16 इंच दिख रहा है, मगर ये जब तैयार कंप्लीट है तो 14 इंच, तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड, 2 इंच ये बढ़ जाता है जब हम इसे पहनेंगे तो बढ़ जाता है। तो ये लॉजिक है फ्रेंड, जैसे कि नेक को आप जैसे डीप करें, तो डीप करने से क्या हुआ, आप क्लोज वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हाफ ऑफ शोल्डर, सिर्फ हाफ ऑफ शोल्डर सीम्स ना ले तो वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड मैं आप लोगों को जो बड़ा वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जब हमारा जो आर्म होल होता है ना इस टाइप का, तो ये बोन का नीचे हम मेजरमेंट लेते हैं हाई नेक के लिए, मगर जब हम डीप नेक करेंगे और बैक में बहुत डीप स्प्रेड करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा करके आपका मन में इसी तरह एक लाइन खींचना है, और उसी हिसाब से ये बोन के ऊपर नहीं, थोड़ा सा क्लोज करके आपको शोल्डर लेना है। तो मेरे ख्याल से वो अगर आपका शोल्डर यहाँ पर 16 इंच हो तो यहाँ पर 15 इंच आ जाएगा। तो डीप नेक करके, यानी कि फ्रंट में डीप और बैक में डीप करके आप इसी तरह मेजरमेंट लेकर आप बना सकते हो, कोई भी ड्रेस बना सकते हो, वो फिटिंग्स अच्छा रहेगा। और एक बात है फ्रेंड, जैसे कि ये अगर हमारा डीप करे, यानी कि ये हमारा बैक है, ये फ्रंट है, तो ये देख ही रहे आप, ये डीप नीक है और ये फ्रंट का डीप है। तो इसके लिए अगर किसी को कोई भी तकलीफ हुआ, तो जैसे कि हम ब्लाउज में जैसे कि फार्मूला दे दिया, तो उसी हिसाब से वो फार्मूला कुर्ती में भी फिट रहेगा, और आर्म होल का जो फार्मूला वो ब्लाउज का जो है कुर्ती में भी है। सिर्फ आपको अगर लूजिंग करना है, जितना लूज देना है आपको उसी तरह आपको इस जगह में बढ़ाना है, यानी कि माइनस कम करना है, 1/4 ऑफ बस्ट माइनस 3 करें तो फिटिंग्स हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा लूज करना है तो 1/4 ऑफ बस्ट माइनस आप 2.5 करें, तो यानी कि इस जगह को माइनस का कम, और भी माइनस कम कर दे और भी बड़ा हो जाए, यानी कि ये स्पेस और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो को देखने के बाद, जो लोगों को पता नहीं चलता जी कैसे हमें आर्म होल करना है, कैसे चेस्ट लेंथ करना है, तो आप लोगों को शायद चेस्ट लेंथ कितना करना है अगर पता ना हो तो आप मेजरमेंट ले, ठीक है, मेजरमेंट लेकर बनाएं। और अगर ना मेजरमेंट नहीं लेना सकते हैं, जैसे कि फार्मूला देखिए हमारा उसमें दे दिया है कि साइज में कितना आर्म होल आता है, ठीक है, तो वो फार्मूला फॉलो करें। तो डीप में फ्रंट और डीप अगर हो, बैक डीप अगर हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आपको देखना है फिटिंग्स अच्छा आ रहा है कि नहीं। और एक बात होता है, जैसे कि फ्रेंड हम लोग ये जो शेप देते हैं ना, इस जगह में शेप को नहीं बड़ा करना है, अगर ये शेप अगर इसी तरह बड़ा हो जाएगा तो इस जगह में एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला अभी आपको आर्म होल का एक मेजरमेंट लेना है, और होलसेल में क्या होता है, जो रेडीमेड का जो मेजरमेंट मैंने दे दिया
वो एकदम परफेक्ट है। जिसका फिगर अच्छा होगा तो उसका फिटिंग्स अच्छा होगा, जिसका फिगर अच्छा नहीं होगा तो उसका फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड तो छोड़िए, जैसे ऑर्डरी में काम करते हैं, इस जगह में हम कभी कभी डार्ट दे देते हैं, इस जगह के फ्रंट में भी दे देते हैं और बैक में भी दे देते हैं, कभी कभी हम देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को फिटिंग्स नहीं आ, रिंग के ला जाता है इस जगह में, तो उन लोगों के लिए इस जगह में थोड़ा सा डार्ट हम दे देते हैं, उसका फिगर ही ऐसा है। और किसी बैक में किसी का इस जगह में जैसे कि बोन होने से फिटिंग्स का गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए इस जगह में भी हम लोग डार्ट दे देते कभी कभी, ठीक है, उसमें फिटिंग्स अच्छा होता है। और जो मूवमेंट वाला ऐसे होता है घुमाकर जब बड़ा होता है जो फार्मूला, उसके लिए आपको इस जगह को फिटिंग्स और जो बैक में, अगर आप जैसे कि मैंने बोला फ्रंट आर्म होल से थोड़ा सा हाफ इंच अगर कम ले तो इस जगह में फिटिंग्स अच्छा होगा, कपड़ा जमा होने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा इस जगह में। और एक बात फ्रेंड, इस जगह में अगर बड़ा हो जाए तो जैसे कि हम अंदर में शेप देते हैं तो वो आप करें तो इसका अच्छा होगा, अदरवाइज जिसका फिगर अच्छा है, शोल्डर अच्छा है, तो उन लोगों का ऐसे शेप देने से कोई मायने नहीं रखता। तो जैसे कि हम ऐसे शोल्डर अगर रखें तो जब हम घूमें इसे घूम जाए तो ऐसे थोड़ा सा ये कार्व हो जाता है, जैसे शोल्डर हम डाउन करते उसी हिसाब से ये दिखता है इस जगह में, ठीक है। तो इस वीडियो से जो लोगों का आर्म होल और शोल्डर कैसे लेना है, और एक बात फ्रेंड, जैसे कि मैंने फोन पर और हमारा ईमेल पर भी बहुत सारा देखा, जैसे कि सर बास्ट कितना लेना है कैसे पता है, तो बास्ट का भी बहुत तरीका से हम ले सकते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जो ये देखिए, हम 1/4 ऑफ बास्ट प्लस सीम्स प्लस इज, ठीक है, यही ग्रामेटिकल फॉर्मूला है। तो इसे कि कोई कोई लोग क्या करते हैं, टोटल जो बास्ट होता है, यानी कि हमारा 46 अगर बास्ट हो, चलिए 36 पकड़ गया, 36 प्लस सिम्स के लिए हम कितना ले, सिम्स के लिए हम चारों मिलाकर, यानी कि हम हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच करके हम अगर ले हाफ इंच ले, और जो इज हम, इसका मतलब है फ्रेंड जो लूजिंग हम देते हैं, हम फ्रेंड 2 इंच हम लूज लेते हैं, तो ये फुल मिलाकर क्या हुआ, 36 38 सारे, ये इसका भागा 4 करें आप, जो होता है उसी से होता है। और हमारा भी फॉर्मूला जो ऊपर वाला में दिया है वो एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम तरह तरह के हम कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर अब भी आप लोगों को समझ में ना आए तो फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि ये शोल्डर का प्रॉब्लम और आर्म होल का प्रॉब्लम के बहुत वीडियो मैंने दे दिया, आप वो वीडियो फॉलो करें, आप ध्यान से देखें वो वीडियो को। और आपको क्या करना है, जैसे आपको एनालाइज करना हो, आप अगर ठीक ठाक ना कर पाए तो आप एक पैटर्न बनाना है, पैटर्न बनाकर कोई भी रफ कपड़ा से आप तैयार करें और उसके बाद उसको एक फिटिंग्स करें और आप पहने, अगर ठीक ठाक हो तो आपका लॉजिक काम कर जाएगा, यानी कि आपका जो आप समझ गए, यानी कि आप समझा हमारे बातों से जो समझा वो ठीक ठाक है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो आप पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, ठीक है। तो चेंजिंग करने से उसके बाद आप फिर से पहने, तो ये सीखने का ये आसान तरीका है, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हम तो किसी के पास नहीं होते तो इसलिए वीडियो से मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी आप लोगों को बता दे चुका हूँ फ्रेंड, वीडियो आप देखे पहले, एट फर्स्ट आप वीडियो देखें, देन आपको क्या करना है, आपको एक पैटर्न बनाना है जैसे मैंने दिखा रहा है, और उसके बाद वो पैटर्न से आपको कोई भी ड्रेस बनाना है, मगर रफली फ्रेंड, कोई फाइनली कोई कपड़ा नहीं लेकर है। तो अगर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करें तो ठीक ठाक है, अगर आपको सब ठीक ठाक है तो आप आपका जो फाइनल जो कपड़े से आपको ड्रेस तैयार करना है उसी से आप करें। तो इससे क्या होगा, आपका जो सीखने का वो तरीका वो एकदम 100% परफेक्ट हो जाएगा। जो लोग फैशन डिज़ाइन सीख रहे हैं और उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, आप लोग एनालाइज करें इसी तरह, एट फर्स्ट आप देखें वीडियो और उसके बाद पैटर्न करें, उसके बाद कोई भी कपड़ा लेकर आप एक ड्रेस बनाएं, उसके बाद किसी मॉडल को पहनाइए, अगर ठीक ठाक हो तो सब ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर से आप पैटर्न को थोड़ा सा चेंजिंग करें, तो चेंजिंग करके आप करें, ठीक है। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूंगा फ्रेंड, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से कहूंगा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पे डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा, और जो लोग घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमसे बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं किसी वीडियो के लिए। और फ्रेंड और एक बात बता दूँ, मैं कभी कभी फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं फ़ोन उठा नहीं पाता इसलिए सॉरी, मैं काम करता हूँ, हर दिन मैं बिजी रहता हूँ इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाता। और आप लोगों को अगर कोई ख्वारी मन में कोई रिक्वेस्ट है तो आप ईमेल कर सकते हैं, हमें ईमेल एड्रेस मैंने दे चुका हूँ, और वीडियो में कमेंट्स कीजिए, उस पर रिप्लाई मैं दे दूँगा। अगर कोई भी वीडियो है तो मैं बनाकर आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।